हम जब भी घर को बैलेंस करते हैं तो अभी तक तो हम रंगों से, तत्वों से, सामान से बैलेंस करते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा और उससे भी अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, इन रंगों से बैलेंस कर लिया आपने, घर पे तत्वों से भी बैलेंस कर लिया, सामान को इधर उधर करके बैलेंस कर लिया, तो अब थोड़ा सा और आप आगे बढ़िए। अब आपको जो वहाँ 45 देवता हैं वो कौन से हैं, आप उन पर कोशिश करिए। नॉर्मल क्या होता है, सृष्टि ब्रह्मा जी ने बनाई है, ब्रह्मा जी के बाद हमारे पृथ्वीधर आ जाते हैं या भूधर कह देते हैं या आर्यमा या विवस्वान या मित्र, ये सब देवता आपके घर में आने शुरू हो जाते हैं जब आप आपका प्लॉट बाउंड्री करनी शुरू कर देते हैं। इसी प्रकार कुछ देवता और आ जाते हैं नॉर्थ ईस्ट में, आप और आपवत्स, ऐसी इस प्रकार साउथ ईस्ट में आ जाते हैं सविता और सावित्र, फिर इसी प्रकार साउथ वेस्ट में भी आ जाते हैं दो देवता जय और इंद्र, इसी प्रकार नॉर्थ वेस्ट में रुद्र और रुद्रजय। ये आठ देवता हर कोनों पे विराजमान हो जाते हैं, अपने हिसाब से वर्क करते हैं, सबका वर्क अलग है, सबकी एनर्जी आपके साथ जुड़ी होती है। इसी प्रकार जो बचे 32 देवता या असुर, वो हर दिशा में आठ आठ देवता होते हैं, जैसे नॉर्थ में भी आठ हैं, ईस्ट में भी आठ, साउथ में भी आठ और वेस्ट में भी आठ। ईस्ट में अगर आप देखते हैं तो नॉर्थ ईस्ट से शुरू होते हैं, तो शिखी पहले देवता, शिखी भगवान शिव को भी कह देते हैं, पर्जन्य दूसरे देवता आते हैं, बादल बरसात करने वाले, वो धन की भी हो सकती है, वो आपकी इच्छाओं की भी हो सकती है। उसके बाद जयंत आ जाते हैं, भगवान इंद्र के पुत्र हैं, महेंद्र आ जाते हैं, सूर्य के पुत्र हैं, इसी प्रकार फिर उसके बाद सूर्य आ जाते हैं, कुछ सूर्य, फिर उसके बाद सत्य आ जाते हैं, सत्य को धर्म भी कहा गया है, भ्रष्ट आ जाते हैं, कामदेव बोला गया है भ्रष्ट को, फिर उसके बाद अंतरिक्ष को आकाश बोला गया है, ये ईष्ट के आठ देवता आपको इफेक्ट देते हैं, जहाँ भी आपकी एंट्रेंस आ रही है या एंट्रेंस, इनके हिसाब से ही उसका इफेक्ट आपको मिलेगा, जो देवताओं का काम है। जयंत का सबसे अच्छा बताते हैं, एंट्रेंस हो तो ईष्ट के अंदर आप ज़्यादा अच्छी लाभ ले सकते हैं। इसी प्रकार साउथ में भी आठ देवता हैं, अग्निदेव हैं या वायुदेव भी कह दोगे, मारुत भी कह दोगे, पूषा देव माताओं का समूह है, विथत को बहुत अच्छे रूप से नहीं देखा जाता, असुरों के रूप में देखा जाता है, ग्रस्त अच्छे हैं, यमराज हैं, भगवान सूर्य के पुत्र हैं। इसी प्रकार आप उससे थोड़े से और आगे जाएंगे, गंधर्व देव नारद कहलाते हैं, ब्रंगराज नैरुति के पुत्र, मतलब कि मृत्यु की देवी, सब कुछ खत्म होने के बाद शुरुआत है। इसी प्रकार मृग है, यार्ड देवता साउथ के हैं, पितृ साउथ वेस्ट में, द्वारिक, द्वारिक को नंदी भी बोला गया है, वह साउथ वेस्ट में,